नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कॉस्मोस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी जो महिला पहलवान है विनेश फोगाट, उनको ओलंपिक फाइनल से कुछ समय पहले जब उनका वेट किया गया था उसमें वो मात्र 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और जो उनका सपना था, जो कि एक निश्चित सिल्वर था और हम गोल्ड के लिए जाने वाले थे, उस सपने को तोड़ दिया गया था और फाइनल में उन्हें खेलने नहीं दिया गया था। विनेश फोगाट जी ने जिसको हराया था, जिस क्यूबन खिलाड़ी को हराया था, उन्हें फाइनल्स में खिलाया गया था और वो सिल्वर पाई थी। और यूएसए की जो सारा हैं उन्हें गोल्ड मिला था। इसके बाद से जो विनेश फोगाट जी हैं उन्होंने अपील की थी ओलंपिक कमेटी को, आईओसी को, और जो एक पूरी कमेटी है उसमें उन्होंने अपील की थी कि उनको साथ में जो ज्वाइंट सिल्वर मेडल होता है वो दिया जाए और उनका जो केस है उसे एक रेयर केस माना जाए, जिसके कारण उन्हें जो सिल्वर मेडल है वो अवार्ड कर दिया जाए। इसको लेकर के विनेश फोगाट, जैसा कि आपको पता ही है कि 50 किलोग्राम के फाइनल से पहले उनका वजन ज़्यादा हो गया था और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील की थी, ये पूरा नाम है, वहाँ उन्होंने उस पर अपील की थी और संयुक्त रूप से एक सिल्वर मेडल की मांग की थी कि उन्हें एक सिल्वर मेडल दे दिया जाए। अभी भी इस पर लेकर उम्मीद जिंदा है क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई की और इस फैसले को लेकर के जो इससे ऊपर कमेटी है सीएसी करके जो कमेटी है उसे ये फैसला आगे देने की कहा है। जिसके बाद जो ओलंपिक खेलों की जो कमेटी होती है, आप कह सकते हैं जो एक तरह से जो हेड है काइंड ऑफ ओलंपिक खेलों के, उनको ये दे दिया गया है। और अब ये फैसला उन्होंने कहा है कि इस ओलंपिक ख़त्म होने से पहले ये फैसला सुना दिया जाएगा कि क्या विनेश फोगाट जी को मेडल, सिल्वर मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी 11 अगस्त, जैसा कि आपको पता होगा ओलंपिक खेल 11 अगस्त को ख़त्म हो रहे हैं, उससे पहले विनेश फोगाट जी को ये कन्फर्म हो जाएगा कि उनको सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब देखा जाए तो उन्होंने अपील की है, शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि गोल्ड नहीं कम से कम एक सिल्वर मेडल मिले, जिससे हमारी जो एक तरह से जो इस खेल की पारदर्शिता है वो बनी रहे। क्योंकि मात्र 100 ग्राम के कारण किसी को डिस्क्वालीफाई करना ये बहुत ही गलत लगता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।